शहर में अंडा आता है, ये है पत्थर का जैसा, आदमी का सी भी नहीं पता नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी एक जंगल, जहां जून जुलाई के महीनों में भी ऐसी ठंड होती है कि इंसान को बर्फ का पुतला बना दे। लेकिन हड्डियां जमा देने वाली इस ठंड में भी बारह महीने हमारे देश के जवान तैनात रहते हैं, और इनका ये शौर्य ही है जिसके दम पर 24,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि -40 डिग्री सेल्सियस में भी चारों तरफ बर्फ से ढके इन सुदूर पहाड़ों में हमारे जवान ड्यूटी कैसे करते हैं? ये वहाँ कैसे रहते हैं, खाते क्या हैं और नहाते हैं या नहीं? ये सब जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी सियाचिन में ड्यूटी दे रहे इन जवानों के शौर्य और देशभक्ति को सलाम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कमाल का वीडियो। Facts on your face. दोस्तों, लेह से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है, और इसका निचला छोर 12,000 फीट की ऊंचाई से शुरू होता है जो जाता है 18,000 फीट से भी ज्यादा तक। सियाचिन ग्लेशियर के साल्टोरो रिज पर भारतीय सेना का कंट्रोल है, और दोस्तों ये वही रिज है जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इंडियन आर्मी ने जीता था। इसके आगे पश्चिम में कश्मीर का वो इलाका है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और उत्तर में है LAC जो भारत और चीन को बांटती है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप परतापुर है, जहां सियाचिन ब्रिगेड सियाचिन की 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को प्रोटेक्ट करती है। इस पूरे जोन में इंडियन आर्मी की 108 फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, और इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पोस्ट बाना पोस्ट है जो 20,500 फीट की ऊंचाई पर है। इस पोस्ट तक पहुंचने में भारतीय सैनिकों को 20 दिन का वक्त लगता है। बाना पोस्ट के अलावा इंदिरा कोल की पहलवान पोस्ट और कुमार पोस्ट इस रीजन की सबसे ऊंची पोस्ट है। सियाचिन के इस रीजन में इंसानों के रहने की सारी सीमाएं खत्म हो जाती है। कभी बारिश तो कभी बर्फीला तूफान और अचानक आने वाला हिमस्खलन यहाँ रहने वाले जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस हार्श वेदर कंडीशंस में सियाचिन बेस कैंप और फॉरवर्ड पोस्ट की मेंटेनेंस पर ही रोजाना 5 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है, और यहाँ 10,000 से भी ज्यादा सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं ताकि ग्लेशियर पर चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद कर सके, जिसमें लद्दाख स्काउट्स की 8 बटालियंस के अलावा एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल, इन्फेंट्री बटालियंस, 6 चीता, 2 MI-8 हेलीकॉप्टर्स, 4 AN-32 और इंजीनियर्स और दूसरी लॉजिस्टिक यूनिट्स शामिल हैं। दोस्तों, जवान चाहे किसी भी बटालियन का हो, सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी देने से पहले उसे कश्मीर में स्थित हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जाना पड़ता है, या फिर सियाचिन के अपने ट्रेनिंग कैंप में ही कई महीनों तक रहकर इस जानलेवा वेदर में ड्यूटी करने के लिए तैयार होना पड़ता है। ट्रेनिंग सेंटर्स में जवानों को आइस क्राफ्ट, रॉक क्राफ्ट, रैपलिंग और स्ट्रीम क्रॉसिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। रोजाना कड़ी ट्रेनिंग के जरिए सैनिकों के स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है, ताकि वो सियाचिन के कम ऑक्सीजन लेवल में भी अपनी ड्यूटी फुर्ती से कर सके। जब ये सैनिक माउंटेन वॉरियर्स बन जाते हैं, तब इनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, और सिर्फ उन्हीं सैनिकों को सियाचिन बेस कैंप भेजा जाता है जो हर तरह से फिट आते हैं। सियाचिन बेस कैंप में जवानों को कम से कम 3 से 4 महीने रुकना पड़ता है, और फॉरवर्ड पोस्ट के जानलेवा मौसम के लिए जरूरी सर्वाइवल टेक्निक्स और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर आता है वो दिन जब जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर उनके साथियों की जगह लेने के लिए रवाना किया जाता है। सियाचिन में ड्यूटी करने वाले किसी भी सैनिक के लिए ये बहुत अहम पल होता है, क्योंकि उन्होंने बेस कैंप में ग्लेशियर के अनुभवों को अपने साथियों से सुना होता है, पर अब उनकी बारी होती है सियाचिन के इन बर्फीले पहाड़ों पर अपनी खुद की कहानी लिखने की। फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने से पहले जवानों को खास पोशाकें दी जाती हैं, जिसकी कीमत 55,000 रुपए से भी ज्यादा होती है। अत्यधिक आधुनिक तकनीकों से बनी ये पोशाक तेज हवा, ठंड और फ्रॉस्ट बाइट से जवानों को बचाती है। यह जवानों के लिए एक और बड़ी चुनौती है, और वो है बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना, जिसके लिए जवानों को खास तरह के जूते भी दिए जाते हैं
जिनका वजन 3 किलो से भी ज्यादा होता है। इन जूतों में नुकीली कीलें होती हैं, जो इन्हें बर्फ में चलने में मदद करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सियाचिन में तैनात जवानों के कपड़ों और जूतों पर ही सालाना 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आता है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सोल्जर्स की सोने और खाने से जुड़ी बेसिक सुविधाएं भी यहाँ बेहद मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। जवानों को बेस कैंप से फॉरवर्ड पोस्ट के लिए चढ़ाई पोस्टिंग डेट से 10 दिन पहले ही शुरू करनी पड़ती है, ताकि वो तय डेट पर फॉरवर्ड पोस्ट पर अपने साथियों की जगह ले सके। फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने वाले जवानों के बैग में अपने पर्सनल सामान के अलावा बलकलावाज, ग्लव्स, टेंट, स्लीपिंग बैग और आइस एक्सेस होती है। इसके अलावा आग जलाने के लिए जवान एक बोतल केरोसिन भी हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। इन सब चीजों को कैरी करने के बाद जवानों के बैग का वजन 30 से 35 किलो हो जाता है, और इस हैवी लोड के साथ ही जवानों को ये चढ़ाई करनी पड़ती है। बर्फीली पहाड़ियों में बर्फ धंसने का खतरा दिन में ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादातर यूनिट्स रात के अंधेरे में ही चढ़ाई करती है, और चढ़ाई के दौरान कोई सैनिक खो ना जाए या फिर गिर ना जाए, इसके लिए सभी सैनिक एक दूसरे के साथ एक रस्सी में बंधे होते हैं, जो उन्हें यूनिट के साथ चलने में मदद करती है। चढ़ाई के दौरान एक छोटी सी गलती पूरी यूनिट को खतरे में डाल सकती है, इसीलिए जवान को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। वही फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचने के बाद जवानों को आराम का कोई मौका नहीं मिलता, और उन्हें तुरंत अपनी ड्यूटी शुरू करनी पड़ती है। सियाचिन ग्लेशियर की फॉरवर्ड पोस्ट पर राशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाया जाता है, जिसके लिए यहाँ कुमार पोस्ट पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक हेलीपैड बनाया गया है। पर चूंकि हर पोस्ट पर हेलीपैड नहीं है, और कभी कभी मौसम खराब होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं कर पाता, इसीलिए कभी कभी सप्लाईज को हवा से ही ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसे जवान फिर बर्फ में खोजते और अपनी पोस्ट तक लेकर आते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ राशन के टूटने या फिर खराब होने का तो कोई खास खतरा नहीं होता, लेकिन राशन में आई सब्जियां यहाँ आते ही पत्थर बन जाती हैं। आलू जैसी सब्जी को पकाने के लिए भी कुकर की 8 से 10 सीटियां लगानी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ खाना पकाना सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए राशन से भी ज्यादा जरूरी होता है केरोसिन। जी हाँ, इन बर्फीली पहाड़ियों पर आग जलाने का कोई और सोर्स है ही नहीं, जिस वजह से इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि केरोसिन फॉरवर्ड पोस्ट पर सप्लाई होता रहे। रिपोर्ट्स की माने तो आर्मी यहाँ सालाना 2 लाख लीटर से भी ज्यादा केरोसिन का इस्तेमाल करती है। वहीं बात करें पानी की, तो सियाचिन की इन बर्फीली वादियों में इस सफेद बर्फ के अलावा जवानों के पास पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, जिस वजह से जवान किसी साफ सी जगह को देखकर वहां से बर्फ इकट्ठी करते हैं, और फिर उसे पिघलाकर ही पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात करें नहाने की, तो सियाचिन के बेस कैंप में जवानों के नहाने के लिए बाथरूम और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DRDE द्वारा डिजाइंड एक टॉयलेट मौजूद है, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों को टॉयलेट के लिए खुले में ही जगह ढूंढनी पड़ती है, या फिर टेम्पररी टॉयलेट्स बनाने पड़ते हैं। नहाने और पानी की सुविधा ना होने की वजह से फॉरवर्ड पोस्ट पर जवान कई बार एक एक महीने तक नहीं नहाते, जिस वजह से DRDO ने अब कुछ जेल बेस्ड बाथ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जिनके इस्तेमाल से जवान बिना पानी के भी अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना का एक दस्ता कम से कम 90 दिन की ड्यूटी करता है, और इसके बाद ही उन्हें वापिस नीचे बेस कैंप पर भेजा जाता है। जब ये जवान वापिस बेस कैंप आते हैं, तो इनकी स्किन कई जगह से फट चुकी होती है, चेहरा सेब से भी ज्यादा लाल नजर आता है, और वजन कई किलो कम हो चुका होता है। कई जवान तो पल्मोनरी, सेरिब्रल एडिमा, हाइपोथर्मिया, चिलब्लेन्स और फ्रॉस्टबाइट जैसी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद भी जवानों के लिए अकेले सियाचिन की वेदर कंडीशंस में ऑपरेशंस को अंजाम देना काफी मुश्किल है। ऐसे में सैनिकों की मदद के लिए इंडियन एविएशन कोर की टीम भी यहां तैनात रहती है, जो राशनिंग और जरूरी सामान को पहुंचाने के साथ साथ कोर रिसर्च, रेस्क्यू, मेडिकल और इमरजेंसी सप्लाईज पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हाँ, सियाचिन के खतरनाक मौसम में जहाज उड़ाना आसान नहीं होता, और कई बार तो मौसम इतना खराब होता है
कि हेलीकॉप्टर से कई कई दिनों तक टेक ऑफ या फिर लैंड नहीं कर पाता। सियाचिन के बदलते और बेहद खतरनाक मौसम से लड़ने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर में कुछ बदलाव किए, ताकि ये हेलीकॉप्टर्स सियाचिन के खराब मौसम में भी काम कर सके। इन तकनीकी बदलावों के चलते ही ये हेलीकॉप्टर्स अपनी क्षमता से 2 से 3 गुना ज्यादा भार उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी यहाँ दुश्मन से ज्यादा जाने खुद ग्लेशियर लेता है। यहाँ सालाना 36 फीट बर्फ गिरती है और हवाएं 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सियाचिन ग्लेशियर के इस बेरहम मौसम ने ही 800 से ज्यादा जवानों की जान ली है। यहाँ मौजूद सियाचिन वॉर मेमोरियल उन्हीं जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने सियाचिन वॉर में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन ये जानते हुए भी कि जहाँ वो ड्यूटी करने जा रहे हैं शायद वहां से वापिस कभी ना लौटे, ये जवान कभी भी अपने कदम से पीछे नहीं हटते और कई चुनौतियों के बाद भी इन बर्फीली पहाड़ियों पर डटकर खड़े रहते हैं। इनका शरीर टूट जाता है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटती। बर्फीला तूफान आता है लेकिन वो भी इन जवानों के आगे अपना सिर झुकाकर चलता है और इसी शौर्य, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है सियाचिन की चोटी पर लहराता तिरंगा। खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भले ही कुछ मिनटों के लिए ही सही, आपने भी सियाचिन में तैनात इन जवानों की जिंदगी को महसूस किया होगा। अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना भी ना भूलें। खैर, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव फैक्टिफाइंग वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।